कौमी धरना पर खड़ा होना अक्सर पाकिस्तान में देखा। देखिए, कौमी तराने पर खड़ा होना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ताकि वो पाकिस्तान का कौमी तराना हो या किसी प्रेसिडेंट का कौमी तराना हो, अमेरिका को कौमी तराना हो या कोई भी कौमी तराना हो, इस पर खड़ा होना बिल्कुल भी शरीयत के ख़िलाफ़ है। जैसे हमें ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में हदीस मिलती है, जब सहाबा आते थे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते थे तो सहाबा खड़े होते, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, डू नॉट मत खड़े हो। तो मैं आप इस पॉइंट को आप नोट करें, हमारे लिए जो सबसे प्यारी और सबसे जो हमारे लिए आइडियल हैं वह हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के हमारे लिए ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, कोई भी नहीं है। तो हमारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही जब इस चीज़ के बारे में मना फरमा दिया कि मेरे आते हुए भी आपने खड़े नहीं होना, तो ये कौमी तराने की औकात क्या है या किसी प्रेजिडेंट की औकात क्या है या किसी को प्राइम मिनिस्टर की औकात क्या है, नथिंग, दे आर नथिंग, ये कुछ भी किसी की औकात नहीं है। जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़ुबान से इस चीज़ के बारे में मना फरमा दिया, अपने सहाबा से मना फरमा दिया कि जब मैं आऊँ आप मेरे आने के टाइम आप खड़े मत होइए, तो जब अल्लाह के रसूल ने अपने लिए जो रहमतुल आलमीन हैं अपने लिए मना फरमा दिया, तो फिर ये कामी तराने पे खड़े होने, आप पता क्या होता है, ये पॉलिटिकली कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन शरीयत में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है कौमी तराने पर खड़े होने की। यहाँ प्रेजिडेंट आए खड़े हो गए, प्राइम मिनिस्टर आए खड़े हो गए, कोर्ट में जज आया खड़े हो गए, तो ये कहना खड़े होना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ये आप समझिए कि ये समझ के कुफर की हद तक है, क्योंकि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, सो वी आर गिविंग अ रिस्पेक्ट टू समथिंग मोर देन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।